बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो पूरा स्टैंडर्ड है वो ज़रा समराइज करके एक जगह हमें बना के दे दें ताकि हमें उस पर थियोरेटिकली कम टाइम लगाना पड़े। तो सर, मैं सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को देख रहा हूँ सर। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आती हैं सर। एक जो हमारे पास प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसमें आता है सर हमारे पास लैंड, और उसमें हमारे पास आती है बिल्डिंग। ठीक है जी, बिल्डिंग चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे कंप्लीट हो, लैंड चाहे फर्टाइल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, सारी लैंड और बिल्डिंग वो जो खरीदी गई है किस ऑब्जेक्टिव से, किस ऑब्जेक्टिव से सर? ऑब्जेक्टिव क्या हमारा? ऑब्जेक्टिव वो या तो रेंटल इनकम, ठीक है जी, या हो कैपिटल अप्रिसिएशन। याद रखिएगा, ये कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप बाज़ोकात कुछ लोग करते हैं कि इन्वेंट्री ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं और थोड़े टाइम में उठा के बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं, खरीदते हैं बेच देते हैं। तो इनके लिए सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेंट्री के तौर पर काउंट होगी, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म में होता है, ये कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म का है, ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन याद रखना सर, प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीजें आती है, लैंड और बिल्डिंग, ठीक है जी। और सर, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो तो एक ही बात है। अच्छा, चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा सर, कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मैं खुद रहता हूं, ठीक है जी। इस बिल्डिंग को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ऑक्यूपाई किया हुआ, ठीक है जी। तो याद रखना, खुद ऑक्यूपाई किया हुआ, और मेरा दिल कर रहा है कि इंशाल्लाह ताला इसकी जब वैल्यू बढ़ेगी तो मैं बेचूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सर, मैं रह भी रहा हूं, ऑब्जेक्टिव कैपिटल अप्रिसिएशन है। याद रखना मेरे बच्चों, ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। उसका रीजन क्या है सर? याद रखिएगा, जिस प्रॉपर्टी में ओनर खुद बैठा है वो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। वो प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। और सर, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब है ओनर उसमें खुद बैठा हुआ है। इवन अगर ओनर ये सोच भी रहा है कि एक लंबे टाइम बाद में उसको उठा के अच्छे दामों बेच दूंगा, सर तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड नहीं हो सकती, ओनर उसके अंदर खुद मौजूद नहीं हो सकता। याद रखिएगा, वो लैंड और बिल्डिंग जो रेंटल इनकम या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ली गई है, ठीक है जी, और उसमें ओनर खुद नहीं रहता, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे आएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे जो IS-40 है उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि जी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये नहीं है, ठीक है जी। तो जरा सा उसको हम एलैबोरेट कर देते हैं, क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है। सर मैं लिख रहा हूं जनाब, दीज आर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सर इसमें सबसे पहली चीज जो मैं लिख रहा हूं जनाब, सर एक हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है जनाब, फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अच्छा देखिए, ये कैपिटल अप्रिसिएशन दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है सर शॉर्ट टर्म, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में बताया। एक हो सकती है सर मेरे पास लॉन्ग टर्म। याद रखिएगा कि सर, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो याद रखिए सर हमारे पास ये इन्वेंट्री में क्लासिफाई होगी IS-2 में, ठीक है जी। लेन देन यही होगा सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अगर आपने सर ये इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी खरीदी है सर, ये मेरे पास जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होगी, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये मार्क करूंगा कि सर ये मेरे पास है IS-2, और ये मेरे पास है सर IAS-40, ठीक है जी। एक चीज तो दिमाग में रखिए सर, मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखा जनाब, ये मेरे पास है सर पहली चीज। सर फिर सर मेरे पास एक बिल्डिंग है Case-2, एक बिल्डिंग है सर, और ये बिल्डिंग मैंने उठा के ना रेंट पे दे दी है, जिसको मैं रेंट को मैं उर्दू जुबान में कहूंगा सर लीज,
ठीक है जी, मजाक कर रहा हूं, उर्दू नहीं इंग्लिश ही है ये, ठीक है जी। लीज पे दे दी। अब देखिए सर, लीज होती है दो टाइप की, ठीक है जी, लीज होती है दो टाइप की। एक हमारे पास लीज होती है फाइनेंस लीज, और एक हमारे पास लीज होती है ऑपरेटिंग लीज। देखिए इस लेवल पर आपको जानना, FAR 1 के लेवल पर जानना, इसके लिए इतनी डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं सर। सर फाइनेंस लीज वो लीज होती है जिसमें रेंट पे एसेट देने वाला बंदा जो लेसर होता है, वो एसेट के बहुत कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स यूज करता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है और मैं उसको उठा के 15 साल के रेंट पे दे दूं, तो बताएं सर, जिसने रेंट पे दिया है उसके पास सिर्फ बिल्डिंग 5 साल रहेगी, जिसको मैंने रेंट पे 15 साल के लिए दे दिया, बताएं सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन यूज करेगा ज्यादा? सीधी सी बात है, जिसको आपने 15 साल के लिए एसेट रेंट पे दिया हुआ है। तो मुझे एक चीज ये बताएं, जिस बंदे के पास ये एसेट 15 साल चलेगा, उस बंदे के लिए, उस बंदे की बुक्स में एसेट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सर मेरी बुक से एसेट निकल जाना चाहिए। सर फाइनेंस लीज में होता क्या है, सर मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर यूज्ड बाय लेसी, सो लेसर डी रिकॉग्नाइजेस द एसेट फ्रॉम इट्स बुक्स, ठीक है जी। यानी लेसर अपनी बुक्स में एसेट निकाल देता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो छोड़ो, हम प्रॉपर्टी को अपनी बुक्स में से ही निकाल देते हैं। हम कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी बुक्स में नहीं आएगी, हमारी बुक्स में एक रिसीवेबल आना शुरू हो जाता है। बस आपके लिए इतना याद रखने की जरूरत है कि अगर मैं अपना कोई प्रॉपर्टी उठा के किसी को बड़े लंबे टाइम के लिए रेंट पे दे दूं, तो मैं अपनी बुक्स में से प्रॉपर्टी निकाल देता हूं। मैं कहता हूं इस प्रॉपर्टी इकोनॉमिक बेनिफिट सारे दूसरी पार्टी यूज करेगा, तो मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगी क्यों? ऑपरेटिंग लीज, सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर यूज्ड बाय लेसी, ठीक है जी। अब देखें आपने क्या कहा था कि सर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टी जो आपने रेंटल इनकम कमाने के लिए ली गई हो, तो मुझे बताएं सर मैं शॉर्ट टर्म लीजेस पे चीज देता हूं लोगों, शॉर्ट टर्म के लिए देता हूं, 10 साल की सर एसेट की लाइफ है, 2 साल के लिए किसी को मैंने रेंट पे दे दिया, तो सर वो मेरी बुक्स में क्या कहलाएगी? वो मेरी बुक्स में क्या कहलाएगी सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा है सर, ये बात भेजे में बैठती है सर, ये बात भेजे में बैठती है सर। दो पॉइंट्स हमने देख लिए थे, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है देख लीजिएगा सर, हमारे पास एक है सर बिल्डिंग अक्वायर्ड या ओन्ड, अभी वेकेंट है, सर एक बिल्डिंग है मेरे पास सर ओन्ड है, फारिक पड़ी है, वेकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं इसको रेंट पे दूंगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर, मिसाल के तौर पर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी सर 1 जनवरी को 2019 को, ठीक है जी। ये वो डेट है जिस दिन मैंने बिल्डिंग को क्या किया, अक्वायर किया, पूरी नीयत ये कि मैं इसको रेंट आउट करूंगा, ठीक है जी। 31 मार्च को ये मैंने लीज आउट कर दी, यानी रेंट आउट कर दी, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, ये बिल्डिंग 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी है या 31 मार्च को? सर ये बिल्डिंग 1 जनवरी से ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? सर ये वो बिल्डिंग है सर जो मैंने खरीदी इसी ऑब्जेक्टिव के लिए कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रेंट आउट करूंगा। वेकेंट है सर, मेरा पूरा इरादा ये है कि मैं इसको क्या करूंगा, रेंट आउट करूंगा। सर ये मेरे पास तीसरी चीज हो गई जनाब। सर मेरे पास चौथा एलिमेंट सर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। और इरादा क्या हो, इरादा क्या हो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बाद, इरादा क्या हो कि आफ्टर कंप्लीशन प्रॉपर्टी विल बी रेंटेड आउट। अब देखें इस पे जरा हम बात कर लेते हैं। सर मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड सर, ये मैंने
जनवरी 2018 से शुरू किया कि भाई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही। इरादा क्या है, जैसी इंशाल्लाह बिल्डिंग कंप्लीट होगी मैं उसको रेंट आउट कर दूंगा, जैसी बिल्डिंग कंप्लीट होगी मैं उसको रेंट आउट कर दूंगा। ठीक है जी सर, अंडर कंस्ट्रक्शन चलती रहे सर। मेरे पास डेट आ गई सर मिसाल के तौर पर 30 जून की, 30 जून 2018 को ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई। सर उसके बाद हमने कंप्लीट होने के बाद सर टेनेंट ढूंढना शुरू किया। सर हमारे पास कोई 30 सितंबर को ये फिजिकली रेंट आउट हो गई। मेरा आपसे सवाल ये सर, जब आपने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू की नीयत क्या थी कि मैं इसको रेंट आउट करूंगा? सर मुझे बात बताएं कि प्रॉपर्टी यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी, यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी या यहां पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी? नहीं सर, ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इधर ही बन गई थी। ठीक है जी, और इस पूरे टेन्योर में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रही। ठीक है जी, ये मेरे पास सर चौथा केस हो गया। अच्छा जी, पांचवें केस को एक्सप्लेन करने के लिए जरा साहब को फोकस करना पड़ेगा। सर सर मैंने एक लैंड खरीदी, ठीक है जी, और अभी मैं सोच रहा हूँ इसका यूज क्या करूं, उसका यूज मैंने डिसाइड नहीं किया। ठीक है जी, इसका यूज मैंने डिसाइड नहीं किया। ठीक है जी, यूज अनडिसाइडेड। अच्छा, यूज का मतलब क्या है कि मैं इसको इन्वेंट्री के तौर पे बेचूंगा। ठीक है जी, इन्वेंट्री के तौर पे मैं इसको बेचूंगा या मैं इसको पीपी के तौर पे यूज करूंगा। ठीक है जी, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मैं अभी तक रोक के रखा है, मुझे पता नहीं मैं खुद यूज करूंगा या मैं बेचूंगा। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब आपने ये प्रॉपर्टी ली है, ठीक है जी, आपने अभी तक इसका यूज डिटरमिन नहीं किया कि आप इसको बेचोगे या खुद इस्तेमाल करोगे, तो सर ये बेचना है खुद इस्तेमाल करना है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और जब तक आप ये डिसीजन नहीं ले लेते सर ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई होगी। मिसाल के तौर पर सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 जनवरी 2018 को, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि इसको मैं खुद इस्तेमाल करूं या इसको मैं बेच दूं। ठीक है जी, अपना हेड ऑफिस यहां शिफ्ट कर दें, हम बेच दें। सर करते 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 इस पॉइंट पे आके हमने एक डिसीजन लिया से 30 जून 2008 पे, सो 2018 पे हमने एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसको पीपी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और सर फिर हुआ क्या, या हम इसको इन्वेंट्री के तौर पे बेचेंगे। सर हुआ ये कि हमने 30 सितंबर 2018 को या तो इसको इन्वेंट्री के तौर पे बेच दिया या पीपी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास ये इस डेट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इस डेट पे आके ना सर इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आपने डिसीजन ले लिया ना, इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्लासिफिकेशन इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, फिर यहां फिजिकली अगर आप इसको उठा के बेच देते हो या पीपी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो इससे पहले यहां क्लासिफिकेशन चेंज हुई। जहां पर्पस डिटरमिन हो गया सर, दिस विल नो मोर बी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी सर, ये 5 पॉइंट्स आपने याद रखने विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छे तरीके से इनको याद रखना, ये एमसीक्यूज में टेस्ट करेगा वो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी सर, अब हम देखते हैं हमारे पास द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ सर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है जी सर, इसके अंदर कुछ चीजें हमने देखनी है डिटेल में। ठीक, अब सर सबसे पहली चीज सर, सर आपने एक प्रॉपर्टी अक्वायर की, ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी आपने अक्वायर की विद द इंटेंशन विद द इंटेंशन। ठीक है जी, ये आपने इसको क्या करना है सर, इंटेंशन टू सेल इन शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, आपने इसको सर शॉर्ट टर्म में ही उठा के बेच देना है। तो मुझे बताओ सर, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमने शॉर्ट टर्म में उठा के बेचना है, ठीक है जी, तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए या इन्वेंट्री होनी चाहिए? इन्वेंट्री होनी चाहिए ऐसा। अच्छा देखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि सर प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मतलब है दो एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं। एक ठीक है जी, रेडी प्रॉपर्टी का मतलब आपने खरीदा, तैयार प्रॉपर्टी थी आपने उठा के रेंट आउट कर दिया। एक क्या होगा सर, सर एक होगी जिसको आपने टू बी कंस्ट्रक्टेड और फर्दर इंप्रूव्ड,
अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है सर, जिस पे मेरा इरादा ये कि यार इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके, थोड़ा सा डेवलप करके उठा के मैं बेच दूंगा शॉर्ट टर्म में, तो दिमाग में रखिएगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, शॉर्ट टर्म में बेचना है सर, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्ट होके कंप्लीट होनी हो सर, वो हमारे टू के अंदर इन्वेंट्री के अंदर। सर दूसरा केस, दूसरा केस जो हमने देखना है सर, सर हमारे पास एक ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सर अगर ओनर इसको ऑक्युपाई कर रहा है तो सर उसका उसके दिल में कुछ भी हो कि भाई मैं इसको बाद में बेचूंगा, जब ये इंशाल्लाह एक लिमिट तक आ जाएगी, एक प्राइस इसकी बन जाएगी तो मैं इसको बेचूंगा, ये तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बन सकती क्योंकि ओनर उसको ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, हमारा इरादा हो ना हम अभी रह रहे हैं सर, इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में डेवलप करके हम बेच देंगे, फ्यूचर में डेवलप करके हम कैपिटल अप्रिसिएशन लेके इंशाल्लाह निकल जाएंगे, नहीं। सिंस यू आर ऑक्युपाइंग दिस प्रॉपर्टी मिस्टर ओनर, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दिस विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा एक चीज और भी इसमें, एक सब क्लास देख लेना सर, सर सर एम्प्लॉय हेल्ड प्रॉपर्टी, सर अगर कंपनी के एम्प्लॉयज को आपने एक प्रॉपर्टी दी हुई है रेंट पे, ठीक है जी, और भले वो रेंट मार्केट के बराबर का रेंट हो सर, तब भी वो ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगी सर। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि उनको एक प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालना है, तो उन्होंने क्या कि एंटायर प्रॉपर्टी उठा के दो एम्प्लॉयज को रेंट पे दे दी, ठीक है जी। जब वो रेंट पे दे दी तो वो क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई सर, उस पर फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करते रहे करते रहे करते रहे, जबकि प्रैक्टिकली उसमें अगर या तो एम्प्लॉय रह नहीं रहा होता। देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉयर सपोज किया जाता है कि वो उसको कर सकता है, तो सर इसके अंदर एक मिस रिपोर्टिंग का आंसर आ सकता है कि एक प्रॉपर्टी जो ओनर ऑक्युपाइड हो और उसको सिर्फ इसलिए जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाया जाए कि हम ये ड्रामेबाजी करेंगे जी हमारे एम्प्लॉयज ने इसको रेंट पे लिया, ठीक है जी, और वो मार्केट रेंट के बराबर रेंट दे रहे हैं, नहीं सर ये याद रखिएगा, एम्प्लॉय के पास अगर प्रॉपर्टी है तो वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, ठीक है जी। सर हमारे पास थर्ड नंबर पर है जनाब, सर अगर मैं किसी को प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लीज्ड यानी रेंट आउट कर दिया अंडर फाइनेंस लीज, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये पढ़ा है कि सर जब आप किसी को फाइनेंस लीज पे प्रॉपर्टी देते हो तो आपकी प्रॉपर्टी अपनी बुक से निकल जाती है, ठीक है ना, वो फिर आपकी बुक्स में रहती ही नहीं, उसकी जगह हम एक रेंट रिसीवेबल या इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज नाम का एसेट बुक कर लेते हैं। अगर मैं किसी बंदे को प्रॉपर्टी एक लंबे टाइम के लिए रेंट पे दूं जिसमें प्रॉपर्टी की जिंदगी का मेजर हिस्सा दूसरी पार्टी यूटिलाइज करे, मैं अपनी बुक से प्रॉपर्टी को निकाल ही दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो छोड़ो मेरी बुक्स में प्रॉपर्टी ही नहीं आ रही होगी, ठीक है जी। सर चौथी चीज, सर सर बायोलॉजिकल एसेट्स या उससे कनेक्टेड जमीन, मिसाल के तौर पे सर मेरे पास एक लैंड है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज हो रही है, ठीक है जी, एक जमीन है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। और सर मैं अपने पास IS-41 अप्लाई भी कर रहा हूं, ठीक है जी, कुछ मेरे पास सर बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे, जमीन, पौधे, मछलियां, कुत्ते, बिल्ले होंगे सर जो मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए रखे हुए, यानी सर रिप्रोडक्शन के लिए रखे हुए या बेचने के लिए रखे हुए, सर यहाँ जमीन भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। याद रखना सर ऐसी जमीन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, ठीक है जी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो सर, वो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी सर, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, ठीक है जी, वो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी सर, वो IAS-16 का पार्ट बनेगी, IAS-41 का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा सर। सर हमारे पास पांचवी चीज, सर हमारे पास पांचवी चीज है जनाब, सर हमारे पास मिनरल रिजर्व्स, सर अगर हमने कोई तेल का कुआं ले लिया है, हमने कोई सर सोने की कान ले ली है, कोयले की कान ले ली है, याद रखिएगा सर ये कोयले की कान सोने की कान या IFRS 6 में डील होते हैं, ठीक है जी,
ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है जी। ये याद रखना सर, ये पांच चीज़ें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो आपने बेचने के लिए ली हो, जिसमें आप खुद रहते हो सर, जो आपने फाइनेंस लीज पे दे दी हो, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, या मिनरल्स रिजर्व हो, अल्लाह के वास्ते एमसीक्यूज में चीज़ आ जाए तो आप इसको मैनेज कर लेना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। सर देखें, अब हमने देखने जाना है सर मेजरमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट हमने देखनी है सर। सबसे पहले हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हमने चीजें देखनी है सर। एक हमारे पास है सर इनिशियल रिकग्निशन, ठीक है जी। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा हमेशा, व्हाटएवर द केस में भी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी रिकग्नाइज इनिशियली एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, नथिंग एल्स, ओनली रिकग्नाइज दैट इनिशियली एट कॉस्ट, ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा, नथिंग एल्स, ओनली कॉस्ट, ठीक है जी। सर फिर हमारे पास दूसरा सर सबसीक्वेंट मेजरमेंट। देखें सर, सबसीक्वेंट मेजरमेंट में स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जनाब आपके पास चॉइस है, ठीक है जी। चॉइस के आपके पास सर दो चीजें, आपके पास सबसीक्वेंट मेजरमेंट में आप चाहो तो दो काम कर सकते हो सर। नंबर वन सर, हमारे पास नंबर वन ये कि सर मैं चाहूं तो सब्सिक्वेंटली भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रख सकता हूं, और मैं चाहूं तो सब्सिक्वेंटली इसको फेयर वैल्यू पे रख सकता हूं, ठीक है जी, मेरी मर्जी है, ठीक है जी। फेयर वैल्यू पे रखना है, फेयर वैल्यू पे रखो, कॉस्ट पे रखना है सर, कॉस्ट पे रखो, मर्जी आपकी अपनी है, ठीक है जी। अगर आप इसको कॉस्ट पे रखते हो तो फिर इसकी ऐसी मिसाल है जैसे आपने IAS 16 पे जिस तरह एसेट्स को रखते हो, यानी आप क्या करोगे सर, आप सर इसको प्रॉपरली डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है जी। डेप्रिशिएट कैसे करोगे, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करोगे और उसको दिमाग में रख के डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है जी। सर अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको क्या करेंगे सर, हम इसमें इंपेयरमेंट भी बुक करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें इंपेयरमेंट भी बुक करेंगे, इसको मैं डेप्रिशिएट करूंगा ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रेजिडुअल रख के, और सर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको इंपेयर भी करूंगा। सर अगर मेरे पास फेयर वैल्यू पे बात आती है सर कि मुझे एसेट को फेयर वैल्यू पे रखना है सर, तो दिमाग में रखिएगा कि सर मैं इसको क्या करूंगा सर, इसको मैं रीवैल्यू करूंगा, रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू एट एवरी रिपोर्टिंग डेट, हर बैलेंस शीट डेट पे आपने इसको रीवैल्यू करना है। फिर सर एक बैलेंस शीट डेट पे 100 रुपए का होगा, मे बी रीवैल्यू करके 150 पे चला जाए, तो सर मेरे पास जो फेयर वैल्यू की चेंजेस हैं सर, वो उठा के मैं PNL में डाल दूंगा फेयर वैल्यू गेन के तौर। दिमाग में रखिएगा कि नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना, फेयर वैल्यू में ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे जाएगी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे प्रॉपर्टी पुरानी होती जाएगी, यूज होती जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू, नई बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा होती है, पुरानी बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, फेयर वैल्यू में ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। फिर सर नो इंपेयरमेंट, याद रखिएगा सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी एसेट्स फेयर वैल्यू पर कैरी होते हैं और उनके फेयर वैल्यू का चेंज PNL में जा रहा होता है, तो सर हम उसको कभी भी इंपेयर नहीं करते, क्योंकि इंपेयरमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो बेस्ट फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ है और सारे का सारा गेन लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो चुका है सर। अब दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने बाय चॉइस कॉस्ट मॉडल पिक किया, बाय चॉइस आपने कॉस्ट मॉडल पिक किया, ये दिमाग में रखिएगा कि सर आपको इस एसेट की फेयर वैल्यू लाजमी लाजमी डिस्क्लोज करना पड़ेगी, लाजमी डिस्क्लोज करना पड़ेगी। अगर आप इवन कॉस्ट मॉडल भी इस्तेमाल करते हो, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिस्क्लोज जरूर करना पड़ेगी। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है सर, इनिशियली कॉस्ट पे रखना है, रिकॉर्ड करना है सर, फिर फौरन बाद आपने डिसाइड करना है इसको कॉस्ट पे रखूं या फेयर वैल्यू पे रखूं, आपकी मर्जी। आपने कॉस्ट पे रखना है, कॉस्ट पे रखें, डेप्रिशिएट करें ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम करके एस्टिमेट करके, और सर अगर जरूरत पड़े इंपेयर करें।
अगर सर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पिक किया तो सर उसको हर साल हर रिपोर्टिंग डेट पे आपने रिवैल्यू करना है। जो फेयर वैल्यू का चेंज है एक रिपोर्टिंग डेट से दूसरे रिपोर्टिंग डेट तक वो पीएनएल में डालना है, मे बी गेन हो मे बी लॉस हो, इसको डिप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं। फेयर वैल्यू के अंदर ऑलरेडी गेन और लॉस, फेयर वैल्यू के गेन और लॉस में ऑलरेडी डिडक्शन शामिल है, इंपेयरमेंट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर एक चीज याद रखना सर, हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो इसके यूनिटरी मॉडल पे जाता है सर। अब इसकी स्पेलिंग देख लेना सर, यूनिटरी मॉडल का मतलब क्या है सर, एक मॉडल, एक मॉडल, सिंगल मॉडल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर जो आपने मॉडल रखा पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, सर सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का मॉडल वही होगा। अगर आपने पहली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर डाल दिया, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो आप आगे खरीदेंगे कॉस्ट मॉडल भी रख सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू यूज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर एनी अदर प्रॉपर्टी वंस आपने कॉस्ट मॉडल पिक कर लिया। सर यू पिक फेयर वैल्यू मॉडल, रिमेंबर दैट आप सारी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पर ही रखोगे सर, फिर आप कॉस्ट मॉडल के ऊपर नहीं जा सकते, अपनी बाकी किसी प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखोगे। ठीक है जी सर, फेयर वैल्यू मॉडल कॉस्ट मॉडल ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब सर मैं फेयर वैल्यू मॉडल की कुछ एक्सेप्शंस आपको बताऊंगा। थैंक यू सर, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने पढ़नी है जनाब। नंबर वन सर, सर अज्यूम करें हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमने फेयर वैल्यू पर रखनी है। ठीक है जी, अब अज्यूम करें हमने एक प्रॉपर्टी अक्वायर की फॉर विच फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिंड कंटिन्यूअसली। हमें लग रहा है कि भाई इसकी फेयर वैल्यू कंटिन्यूअसली मालूम नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर एक ऐसे इलाके प्रॉपर्टी है जहां फेयर वैल्यूज बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, हालात सही नहीं रहते, कभी फेयर वैल्यू रॉकेट ऊपर आसमान, कभी नीचे, तो सर वहां फेयर वैल्यूज जो है वो रिलायबल नहीं होती। एक ब्रोकर से आप पूछो कि लियारी में एक घर की वैल्यू क्या है, वो आपको कहेगा 2 लाख। दूसरे ब्रोकर से कहो उसी आपको शेयर उसी विसिनिटी में 6 लाख की प्रॉपर्टी दिखा दे, तो सर आप कह सकते हो कि भाई ऐसे इलाकों में जहां पर हालात सही नहीं होते हैं फेयर वैल्यूज मालूम करना मुश्किल होती है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो स्टैंडर्ड कहता है जी अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पर चल रहे हो, आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आप उसको फिर कॉस्ट मॉडल पर रख लो। लेकिन ये दिमाग में रखना बाबू कि अगर आप उसको कॉस्ट मॉडल पर रखोगे तो आप क्या करोगे उसको, आप उसको करोगे डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट करोगे आप उसको किस पे, ओवर यूजफुल लाइफ पे, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू जीरो रखोगे। क्यों? स्टैंडर्ड कहता है जब तुम क्लेम कर रहे हो कि उसकी फेयर वैल्यू मालूम करना पॉसिबल नहीं है तो तुमने कैसे उसकी रेजिडुअल वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है जी, दिमाग में रखना। और अगर जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ी हमें तो सर हम इसमें इंपेयरमेंट भी बुक करेंगे। ठीक है जी, ये पहली पहली चीज हो गई, दिमाग में रखिएगा सर। इसको हम कहते हैं मजबूरी में रखी गई प्रॉपर्टी कॉस्ट पे, बाकी पूरी जो फिर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे चल रही होंगी ये कॉस्ट पे चल रही होगी। ठीक है जी, याद रखना इसमें रेजिडुअल वैल्यू जीरो रखनी है। ठीक है जी सर, हमारे पास दूसरी एक्सेप्शन सर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। सर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास है, मिसाल के तौर पर सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। सर मिसाल के तौर पर हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है सर, मिसाल के तौर पर हमने वो शुरू की उसकी कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी 2016 को, मैं इस पर लिख रहा हूं सर हमने इस डेट पे कंस्ट्रक्शन शुरू की। ठीक है जी, हमने इस डेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। अच्छा, मैंने इसको मेरी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, मेरा इरादा ये कि मैं ये भी फेयर वैल्यू पे रखूंगा। स्टैंडर्ड कहता है भाई अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेट में इसको फेयर वैल्यू पे रखो। सर इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो रही है। ठीक है जी, मुश्किल है इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना, रिलायबल नहीं है। सर पूरा कंस्ट्रक्शन पीरियड चलता रहा काम, फेयर वैल्यू पता नहीं चली। सर हमारे पास हम पहुंचे से मिसाल के तौर पर 30 सितंबर 2016 पे, सर यहां पर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी सर, यहां हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन
कंप्लीट हो गया। सर स्टैंड कहता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, यहां फेयर वैल्यू तुम्हें पता चल रही होगी। सर इस डेट पे आप प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाओ, ठीक है जी। सर यहां से लेके यहां तक प्रॉपर्टी चल रही होगी किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। सीडब्ल्यूआईपी में जा रहा होगा सब कुछ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेप्रिसिएशन तो लग नहीं रहा होगा, सीडब्ल्यूआईपी पे चल रहा था। सर जब हम यहां पहुंचे तो हमें सर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, अब प्रॉपर्टी तैयार है इस्तेमाल के लिए, रेंट पे देने के लिए। सर यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल, सर हमें फेयर वैल्यू पता चल गई, तो सर यहाँ से कॉस्ट यहाँ तक, सर जैसे ही फेयर वैल्यू पे आएगी इसके सारे फेयर वैल्यू का गेन हम इमीडिएटली पीएनएल में डाल देंगे, ठीक है जी, याद रहेगा। सर सर दोबारा इस प्रॉपर्टी पे आ जाए। सर मुझे एक बात बताएं, एक प्रॉपर्टी हमने खरीदी फर्स्ट से 15 जनवरी 2016 को, सर हमने सोचा कि इसकी फेयर वैल्यू मालूम करना मुश्किल है, आगे पॉसिबल नहीं होगी। सर हमने 31 दिसंबर 2016 को इसको कॉस्ट पे दिखाया, हमने 31 दिसंबर 2017 को इसको कॉस्ट पे दिखाया, सर हमारे पास 31 दिसंबर 2018 पे इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन हो गई, हालात अच्छे हो गए, अब हमें लग रहा है आगे इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करना पॉसिबल है, ठीक है जी। अब बताएं, मैं कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, मेरी बाकी सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल पे। सर स्टैंडर्ड कहता है भैया अब ये फेयर वैल्यू पे नहीं आ सकता, अब ये फेयर वैल्यू पे नहीं आ सकता, इसको अब आप कॉस्ट पे ही चलाएंगे, नो नो रिट्री, मतलब आप उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे लेके नहीं जाना, दोबारा क्या लेके नहीं जाना इसको फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट पे लगा के रखा, डिसाइड कर रहा कि इसकी फेयर वैल्यू पता लगेगी। देखो इसमें बेईमानी का आंसर आ सकता है, एक बंदा जो है ना वो डिसाइड करे शुरू में कि उसकी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू मालूम करना मुश्किल है, और बाद में सब्सिक्वेंटली हो ये कि सर जब उसका फेयर वैल्यू का गेन बुक करने का दिल करे तो कहे जी फेयर वैल्यू मालूम हो गई। तो याद रखना सर, इसलिए स्टैंडर्ड ने इसको डिस्करेज किया, वंस आपने मजबूरन कॉस्ट मॉडल पिक कर लिया, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी फेयर वैल्यू पे, आपने इसके लिए कॉस्ट पिक कर दिया, नो गोइंग बैक टू फेयर वैल्यू, डन। यहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही है, मजबूरी है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई फेयर वैल्यू मालूम हो सकती है, अब पता चल सकती है, अब सर फेयर वैल्यू पे लेके जा सकते हैं, ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है जी, थैंक यू जी। सर हमारे पास थर्ड एक्सेप्शन है, सर प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू। सर एक प्रॉपर्टी हमने फेयर वैल्यू पे रखी हुई है, बट सर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू इज या बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, अब बताए सर एक फेयर वैल्यू पे रखी और अब उसका फेयर वैल्यू मालूम करना मुश्किल हो गया है कंटिन्यूअसली। पहली जनवरी को एक प्रॉपर्टी खरीदी, 2019 को फेयर वैल्यू पे रखी, ठीक है जी, पहले कॉस्ट पे रखी फिर फेयर वैल्यू पे ले गए, फेयर वैल्यू पे रखी सर हमने 31 दिसंबर 2019 को भी उसको फेयर वैल्यू पे रखा, लेकिन जब 31 दिसंबर 2020 पे पहुंचे तो पता चला कि जी इसकी फेयर वैल्यू सही से मालूम नहीं हो सकती, अब बताएं सर क्या करें। सर इसको लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू पे रखेंगे, इसको कॉस्ट मॉडल पे नहीं लेके जाएंगे, ये दिमाग में रखिएगा, इसको कॉस्ट मॉडल पे कभी भी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है जी, ये तीन एक्सेप्शन याद रखना। सर अगर एक प्रॉपर्टी आपने मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखी, बाकी सारे फेयर वैल्यू पे, उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे नहीं ला सकते, एक आपने फेयर वैल्यू पे चलाना शुरू की, सब्सिक्वेंटली इसकी फेयर वैल्यू डिस्कवर करना मुश्किल हो गई, आप इसको अब कॉस्ट पे नहीं लेके जा सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे रखनी है, अगर आपके बाकी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे, अगर उसकी फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन मालूम नहीं हो सकती, इसको कॉस्ट पे रखें, सीडब्ल्यूआईपी में डालें खर्चा, वंस वो कंप्लीट हो जाए फिर आप उसको फेयर वैल्यू पे ले, ठीक है जी, ये तीन एक्सेप्शन आपने अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी, ठीक है। चले सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब, हम आते हैं जनाब स्विचिंग ऑफ मॉडल्स के ऊपर, ठीक है जी। स्विचिंग ऑफ मॉडल्स के ऊपर सर अब अज्यूम करें, सर हमने हमने बाय चॉइस पिक किया कॉस्ट मॉडल, ठीक है जी, बाय चॉइस हमने पिक किया कॉस्ट मॉडल, या हमने बाय चॉइस पिक किया फेयर वैल्यू मॉडल शुरू में, ठीक है जी। अब थोड़े टाइम आगे जाने के बाद हमें लगा कि हमें कॉस्ट मॉडल पे आ जाना चाहिए था, ठीक है जी, हमें कॉस्ट मॉडल पे आना चाहिए, ठीक है जी। सब्सिक्वेंटली
किस तरह? सबसीक्वेंटली आप जाना चाहते हो कॉस्ट मॉडल पे। सर देखें, प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखना है, कॉस्ट पे रखना, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट और फेयर वैल्यू पे रखना है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मैटर है। और सर आईएएस सेट आपसे कहता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे ले जाने का सोचेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड है अगर आप सर चेंज करके ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें, ज्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे सकें तो आप चेंज करें। सर याद रखिएगा, आप फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे जाए ना तो ये ज्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सेट आपको डिस्करेज करता है, मना करता है कि आप फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे सब्सिक्वेंटली आ सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, फिर याद रखिए सर, कॉस्ट मॉडल शुरू से हमने कुछ प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे रखी थी, अब हम सोच रहे हैं कि हम फेयर वैल्यू मॉडल पे स्विच हो जाए। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कहता है जनाब आपने रिट्रोस्पेक्टिवली, कौन सा कैसा, रिट्रोस्पेक्टिवली आपने फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना है। ठीक है जी, यानी आप ये अज्यूम करें कि आपने डे वन से इसको फेयर वैल्यू पर रखा था, पिछले जाके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करें। लेकिन सर फेयर वैल्यू पता कैसे चलेगी? अभी मैंने आपको बताया जब आप कॉस्ट मॉडल बाय चॉइस पिक करते हैं आपको फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करना होती है हर हाल में, तो फेयर वैल्यू आपको पता होगी पिछले सालों की। आप सारी फेयर वैल्यू उसको जमा करें और ऐसे सोचें कि आपने प्रॉपर्टी डे वन से फेयर वैल्यू मॉडल पर खरीदी थी और फेयर वैल्यू मॉडल आप चला रहे थे, और सर आप डे वन से सारा फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करें और कॉस्ट मॉडल में जो फिगर्स हैं उनको सर फेयर वैल्यू वाले से रिप्लेस करें रेट्रोस्पेक्टिवली। सर ये याद रखिएगा, ये सेट का ये इम्पैक्ट आप जाके एफएआर 2 में पढ़ोगे, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना, थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, इफ इवन दिस इज पॉसिबल याद रखना, ये पॉसिबल तो है लेकिन सर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पिछले सारे अकाउंट जाके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सर अब हमने पढ़ना है जनाब ट्रांसफर्स। ठीक है जी, ट्रांसफर्स का मतलब ये कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री में डाल दो, इन्वेंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दो, पीपी को रीक्लासीफाई करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीक्लासीफाई करके पीपी बना दो। आए जरा से एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं सर। मिसाल के तौर पर सर एक प्रॉपर्टी है, सर ये प्रॉपर्टी हमने इस डेट के ऊपर अक्वायर की। ठीक है जी, मैं इसको लिख रहा हूँ सर, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है इस डेट पे हमने अक्वायर की। ठीक है जी, अक्वायर करने के बाद हमने सोचा कि हम इसको खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या किया, इसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ये पूरे टेन्योर ये प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही। ठीक है जी, यहाँ की ऑक्यूपाई हो गई सर। ऑक्यूपाई होने के बाद सर हमने इसको अपने इस्तेमाल में रखा। ठीक है जी, फिर इसके बाद हमने इसको वेकेंट कर दिया एक मरतबा फिर इस नियत से कि हम इसको रेंट आउट करेंगे। ठीक है जी, सर ये जो पूरा पीरियड था ये था मेरे पास सर ओनर ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, ओनर ऑक्यूपेशन। ठीक है जी, इसके बाद सर फिर ये वेकेंट हो गई। सर ये वेकेंट पड़ी रही इस नियत से हमने इसको वेकेंट किया था कि इसको हम रेंट आउट कर दें। ठीक है जी, इधर हमने इसको क्या किया सर, रेंट आउट कर दिया। ठीक है जी, सर ये पूरा वेकेंसी पीरियड था। और वेकेंसी पीरियड था, इसमें हम वेट कर रहे थे, वेटिंग टू बी रेंट आउट। ठीक है जी, सर जब ये रेंट आउट हो गया तो हमारे पास ये पूरा पीरियड रेंट पे रहा। सर यहां पर फिर हमने इसको क्या किया, वेकेट करवा लिया। ठीक है जी, सर ये हमारे पास था टेनेंसी पीरियड। ठीक है जी, और सर इसके बाद जब ये वेकेंट हो गई तो अब हमारी नियत ये है कि सर हम इसको रीऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है जी, अब ये वेकेंट था और सर उसके बाद आके इसको जो ओनर है उसने रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है जी, ये एक और वेकेंसी पीरियड आया।
अब देखिए सर, काफी सारी जो है ना वो हॉचपॉच इन्फॉर्मेशन आपके सामने पड़ी हुई है। अब हमने इसको डिसाइड करने की किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये पीपी था, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था। देखिए स्टैंडर्ड कहता है जनाब, जब आप एक चीज अक्वायर करें विद द इंटेंशन कि आप उसको खुद यूज करेंगे, ये पूरा वैकेंसी पीरियड में ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये आईपी नहीं है। सर आपने यहाँ इसको ऑक्यूपाई कर लिया, ओनर ने इसको ऑक्यूपाइड रखा, इस पूरे टेन्योर में भी ये पीपी था। सर जब आपने इसको वेकेंट किया इस नियत से कि भाई मैं इसको रेंट आउट करूंगा, तो सर स्टैंडर्ड कहता है आपने प्रॉपर्टी खाली कर दी। सर जब आपने प्रॉपर्टी इस नियत से खाली कर दी तो आपका इंटेंशन डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, नजर आ रहा है कि आप सीरियस हो, खाली कर दिया, बाहर आ गए हो। याद रखना सर, ये बन चुका है क्या चीज सर, सर इस पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी पीपी नहीं रही, अब ये बन गई सर क्या चीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, डन। अब इस पॉइंट पे जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी तो सर फिर हमने इसको रेंट पे दिया, अब रेंट पे तो कंफर्म ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सर इसके बाद जाके ये पूरा टेन्योर सर यहां के दोबारा वेकेंट हो गई। जब दोबारा वेकेंट हो गई तो सर स्टैंडर्ड कहता है ये अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ओनर ऑक्यूपेशन के लिए ये जरूरी है कि सर ओनर ने इसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर लेना है। सर जब याद रखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जब आप पीपी में आ रहे होंगे तो ये जरूरी है कि ओनर उसको रीऑक्यूपाई करे। खाली प्रॉपर्टी पे वो ये नहीं कह सकता कि मैं देखो यहाँ प्रॉपर्टी खाली थी, लेकिन हमने अक्वायरी किस इंटेंशन से किया था कि हमने इसको ऑक्यूपाई करना है, इससे पहले ये आईपी नहीं थी। लेकिन सर जब ये आईपी बन गई, इसके बाद ये ओनर ऑक्यूपाई जब तक करेगा नहीं, स्टैंडर्ड कहता है भैया ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहेगी। जब ओनर इसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो सर उस दिन से ये पीपी बनेगी। सर इसका मतलब है ये यहां आके दोबारा पीपी बनी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरे टेन्योर में कितने फेजेस ऐसे थे जिसमें ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तो सर आपने देखा होगा ये जो मैंने सर मार्क किया हुआ, ये पूरी मार्क्ड एरिया जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी इस पूरे टेन्योर में। अब याद रखना सर, हम पीपी से आईपी में आते हैं कब आते हैं सर हम, व्हेन ओनर ऑक्यूपेशन सीजेस टू रेंट आउट द प्रॉपर्टी। जैसे ही ओनर बाहर निकला इस इंटेंशन से कि मैंने इसको रेंट आउट करना है, वेकेंट प्रॉपर्टी भी क्या बन जाएगी सर, आईपी बन जाएगी सर, आईपी टू पीपी। ठीक है जी, when owner reoccupies the property, सर जब ओनर उसको reoccupy करेगा ये तब बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ट्रिगर्स याद रखना सर, हम खाली करें विद द इंटेंशन टू रेंट आउट, पीपी से निकाल के आईपी। सर जब हम इसको फिजिकली रीऑक्यूपाई करें, आईपी से निकाल के पीपी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलें सर आइए, आप देखते हैं हम जनाब इन्वेंटरी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी, किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। अज्यूम करें सर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने उसको अक्वायर किया। ठीक है जी, अच्छा जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी ना, हमारी नीयत यह थी कि इसको हम शॉर्ट टर्म में बेच देंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट रख के हम उसको निकाल देंगे। ठीक है जी, सर हमने पूरी कोशिश की, एक टाइम लगाया, नहीं बिक पाई। इस पॉइंट पे आके हमने डिसाइडेड टू रेंट इट आउट। अब इस सब डिसाइड किया, हमने रेंट पे नहीं दिया है सर, ये पूरा जो पोर्शन था प्रॉपर्टी इसमें वेकेंट पड़ी रही। अच्छा, यहां के वी हैव डन नथिंग, प्रॉपर्टी एज इट इज वेकेंट है, वी हैव जस्ट डिसाइडेड कि हम इसको क्या करेंगे, रेंट आउट करेंगे, बस डिसीजन लिया। सर एट दिस पॉइंट सर ये प्रॉपर्टी जेन्युइनली रेंट आउट होगी। ठीक है जी, जेन्युइनली रेंट आउट होगी। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों फेजेस में प्रॉपर्टी वेकेंट रही है, मैनेजमेंट हैज डन नथिंग एक्सेप्ट टेकिंग अ डिसीजन और डिसाइडिंग
द फैक्ट क्या है, हम इसको रेंट आउट करेंगे। ये दोनों फेजेस में प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब सर रेंट आउट करने के बाद सर ये पूरा एक टेनेंसी पीरियड चला, इसके बाद सर हमने अपने टेनेंट्स को कहा भाई निकल, मैं फिर इसको वेकेट कर रहा हूँ, खाली करवा रहा हूँ, ठीक है जी, और अब मैं इसको बेचूंगा। था यहाँ हमने इसको वेकेट करवा दिया, ये जो हमारा टेन्योर था सर, दिस टेन्योर वॉज अ से टेनेंसी टेन्योर, टेनेंसी टेन्योर था सर। इसके बाद जब ये प्रॉपर्टी वेकेट हुई, हमारा इंटेंशन ये है कि सर हम इसको अब बेच दें, ठीक है जी। सर वेकेट करने के बाद ना थोड़े टाइम सर ये खाली पड़ी रही, इसके बाद इस पॉइंट पे ना हमने फिजिकली डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू किए सर, नोक पलक ठीक करना शुरू की प्रॉपर्टी की, उसको जरा सा जो है वो शेप में लाने की कोशिश की कि हम इसको बेचें। सर हमने बायर लोकेट करना शुरू किया, एक्टिवली उसको मार्केट करना शुरू किया, डेवलपमेंटल स्टेप्स हमने वेकेट करने के बाद लिए सर। डेवलपमेंटल स्टेप्स लेने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो गई, ठीक है जी। अब बताएं सर इस टेन्योर में भी ये प्रॉपर्टी क्या रही, वेकेंट रही। इस टेन्योर में भी ये प्रॉपर्टी क्या रही, इसके बाद जाके प्रॉपर्टी बिकी। अच्छा देखिए हम एक चीज सुने सर, स्टैंडर्ड कहता है जब आप एक प्रॉपर्टी को खरीदते हो इस नियत से कि आपने इसको बेचना है ना, तो ये पूरा टेन्योर ये IS2 पे चल रहा है, पूरा टेन्योर में ये प्रॉपर्टी क्या थी, इस वाले टेन्योर में ये प्रॉपर्टी थी इन्वेंट्री IAS2, ठीक है जी। सर जब आपने डिसाइड किया कि मैं इसको रेंट आउट करूंगा, तो याद रखना सर स्टैंडर्ड कहता है आपने सिर्फ डिसाइड किया, ये कोई डेमोन्स्ट्रेटेबल एक्शन नहीं है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ डिसाइड किया आपने, तो डिसीजन की बेसिस पर सर यहाँ अकाउंटिंग नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। सिर्फ डिसाइड किया, प्रॉपर्टी पहले भी वेकेंट थी, अभी सिर्फ आपने एक डिसीजन ले लिया, तो सर ये याद रखिएगा इस केस में आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। अच्छा पीपी में बन जाती, पीपी में क्या होता, हम उसको वेकेंट करते हैं, हम बाहर निकलते हैं प्रॉपर्टी से, यहाँ ऑलरेडी हम बाहर हैं, तो सर स्टैंडर्ड कहते हैं पहले भी वेकेंट थी अभी वेकेंट है, यार तुम्हारा जो ये सिर्फ डिसीजन लेना है ना, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन को चेंज करने का। तो यहां भी क्या है, ये सर इन्वेंटरी है सर, IS2 यहां पे भी अप्लाई होगा। अब इसके बाद सर जब आपने इसको फिजिकली रेंट आउट किया ना सर, ये पूरे टेन्योर टेनेंसी का पूरा टेन्योर ये क्या रहा सर, टेनेंसी का पूरा टेन्योर ये क्या रहा सर, टेनेंसी के पूरे टेन्योर में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही IS40 में। सर जब आपने इसको वेकेंट किया, स्टैंड कहता है जनाब जब तक डेवलपमेंटल स्टेप नहीं लोगे ये जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि इसको आपने सर किसी दूसरे टेनेंट को देना है या बेचना है। तो सर जब आप यहां वेकेंट भी कर देते हो प्रॉपर्टी को, सर ये प्रॉपर्टी रहती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, ठीक है जी। ये पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टेन्योर है सर पूरा, ठीक है जी। सर जब आप डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो, तो सर स्टैंडर्ड आपको कहता है हाँ अब तुम जस्टिफाई कर रहे हो अपने सेक्शन को कि वाकई तुमने इसको बेचना है। सर अब इस पॉइंट पे बेचने तक सर ये IS2 में रहेगा, यानी के इन्वेंटरी के अंदर रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगी, ठीक है जी, ये चीज आपको याद रहेगी सर कि मेरे पास सर जब इन्वेंटरी से IP कब बनता है, सर जब आप इसको एक्चुअल में क्या करें रेंट आउट कर दें, ठीक है जी, रेंट आउट कर दें बाकायदा एक्चुअली रेंट आउट, ठीक है जी, एक्चुअली रेंटेड आउट, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास IP से इन्वेंटरी में कब जाते हैं सर जब आप सर डेवलपमेंटल स्टेप्स लेना शुरू करते हैं आफ्टर वैकेंसी, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।